खबरदार में आज सबसे पहले बात भारत की एक बेटी के उस मुंहतोड़ जवाब की जिसने कश्मीर और धारा 370 के नाम पर एजेंडा चलाने वालों को बेचैन कर दिया है। दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का एक वर्ग कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से छटपटा रहा है और कश्मीर के भविष्य की चिंता में बिना बात के डूबा जा रहा है, वो भी तब जब न तो उन्हें कश्मीर के इतिहास का पता है न वर्तमान की खबर है। ऐसे लोगों को तो बस वही नजर आ रहा है जो पाकिस्तान उन्हें दिखा रहा है और वही समझ आ रहा है जो पाकिस्तान उन्हें समझा रहा है। लेकिन कश्मीर के इन फर्जी हमदर्दों को हिंदुस्तान की एक असली बेटी ने ऐसा जवाब दिया जो उनसे सहन नहीं हो पा रहा है। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस में मानवाधिकारों पर एक सम्मेलन चल रहा है जहां कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने को कश्मीरी आवाम के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया और भारत की मंशा पर सवाल उठाए। लेकिन जब भारतीय मूल की अमेरिकी स्तंभकार और कश्मीरी पंडित सुनंदा वशिष्ठ के बोलने की बारी आई तो उन्होंने धारा 370 के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश कर दिया। सुनंदा वशिष्ठ ने 30 साल पहले कश्मीर के उन खूनी हालात को बयां किया जिनकी वो भुक्त भोगी हैं। उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार की वो कहानियां सुनाई जिनकी वो चश्मदीद गवाह हैं। कश्मीर में मानवाधिकार के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों को हिंदुस्तान की बेटी का यह जवाब पसंद नहीं आएगा क्योंकि सुनंदा वशिष्ठ ने कश्मीर और धारा 370 को लेकर एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान का आतंकी सच दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। India does have legitimate security concerns in Kashmir, we agree. A number of stories of people trying to actually get medical help and not being able. The truth is that India is hiding its atrocity. Their schooling is interrupted. They're separated from their family members. ये तस्वीरें हैं अमेरिकी कांग्रेस में मानवाधिकार पर चल रहे एक सम्मेलन की, जहां जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की ऐसे ऐसे लोग निंदा कर रहे हैं जिन्होंने कभी कश्मीर में एक कदम नहीं रखा, लेकिन इन सब के खिलाफ एक बेटी उठ खड़ी हुई। I am a member of the minority Hindu community from Kashmir, victim of the worst ethnic cleansing witnessed in independent India. I speak here today because I am a survivor. ये है सुनंदा वशिष्ठ, अमेरिका में रहने वाली कश्मीरी पंडित और पेशे से कॉलमनिस्ट यानी स्तंभकार, जिन्होंने खुद 1990 के कश्मीर का वो दर्द भोगा है जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। My father is a Kashmiri Hindu, my mother is a Kashmiri Hindu, I am a Kashmiri Hindu, and our home and lives in Kashmir were destroyed by radical Islamic terrorism. As I begin to speak, I am choked. As I begin to speak, I'm choked by the thoughts of those voices I represent here, because their voices were extinguished in the most brutal fashion. मानवाधिकार की आड़ लेकर कश्मीर की गलत छवि पेश करने वाले बुद्धिजीवियों से भारत की एक बेटी ने पूछा, कहाँ थे मानवाधिकारों के ठेकेदार जब कश्मीर में हिंदुओं का खुलेआम कत्ल किया जा रहा था, घर जलाए जा रहे थे, हिंदू बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, तब दुनिया भर के नेताओं की चुप्पी क्यों नहीं टूटी थी जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से 4 लाख हिंदू परिवारों को जान बचाकर भागना पड़ा था। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर बवाल मचाने वालों से ये सवाल भारत की वो बेटी पूछ रही थी जो खुद उस कश्मीर में हुए दुनिया के सबसे बड़े नस्लीय नरसंहार की चश्मदीद गवाह है। I'm glad these hearings are happening today because when my family and I lost our homes, our livelihood and our way of life, the world remained silent. Where were the advocates of human rights when my rights were taken away? Where were they on the night of 19th January 1990 when there were voices blaring from all mosques in Kashmir that they wanted Kashmir with Hindu women but without Hindu men? Where were the saviors of humanity when my feeble old grandfather stood with 2 kitchen knives and an old rusted axe ready to kill my mother and I in order to save us from the much worse fate that awaited us if we landed in the hands of terrorists on the same fateful night? 1990 के दशक में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने कश्मीर में अपनी जड़ें जमाना शुरू किया और सबसे पहले हिंदुओं को निशाना बनाया गया, लाखों हिंदुओं को जान बचाकर भागना पड़ा।
जो आज भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें सुनंदा वशिष्ठ भी शामिल है, जो खुद को खुशकिस्मत मानती है, लेकिन हर कोई उनके जितना खुशकिस्मत नहीं था। An innocent young woman, a lab assistant in a school, wasn't as lucky as I was. She was abducted, blindfolded, gang-raped and cut into two halves on a mechanical saw while still alive. Her name was Girija Tikku. Her only crime, her faith. I am her voice today. I am also the voice of young Kashmiri Hindu engineer who was hunted by terrorists, again for his faith. When terrorists came to kill him, he hid inside a rice container in his attic, and he would have been alive today had his location not been disclosed to the terrorists by his own neighbors. His neighbors he trusted, neighbors that we trusted. The terrorists shot him through the container and forced his wife to eat the blood-soaked rice. His name was B.K. Ganju. His crime, his faith. सुनंदा वशिष्ठ की बातें सुनकर मानवाधिकारों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों की आंखों में शर्म नहीं थी। उन्हें तो बस इस बात से मतलब था कि कश्मीर में धारा 370 हटाना गलत था। If this house is going to allow separatist slogans here, I think I'll have to walk out because I cannot allow that. लेकिन 30 साल पहले कश्मीर में जो हुआ उसे वो लोग क्या समझेंगे जिन्होंने कभी वो सब भोगा ही नहीं। We have seen ISIS level of horror and brutality in Kashmir 30 years before the West was even introduced to the brutalities of radical Islamic terror. Kashmir ko lekar Pakistani bhasha bolne walon ko Sunanda Vashisht ne aisa karara jawab diya ki unme se kai logon ki aankhein khul gayi aur hall mein taaliyan baj uthi. There is no Kashmir without India. There is no India without Kashmir. It's both ways. And I will say this at the top of my voice because this is so important to me. और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुनंदा वशिष्ठ ने कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का वो सच दुनिया को बताया जिससे खतरा सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं है। Also reminded today of American journalist Daniel Pearl, who was kidnapped and beheaded by Pakistani terrorists. His last words, my father is a Jewish, my mother is a Jewish, I am a Jewish. कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने को मानवाधिकार उल्लंघन बताने वालों को भारत की एक बेटी ने बता दिया कि धारा 370 हटाना कश्मीर में मानवाधिकार पर हमला नहीं है, बल्कि कश्मीरियों को मानवाधिकार देने की शुरुआत है और इसके लिए कश्मीर भारत की आजादी के बाद से अब तक तरस रहा था। अमेरिकी कांग्रेस में सुनंदा वशिष्ठ की स्पीच की सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चा हो रही है। इस बीच मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने सुनंदा वशिष्ठ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने कश्मीर पर मानवाधिकार सम्मेलन के गुप्त एजेंडे को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। सुनंदा वशिष्ठ, क्या आप पहली कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित थी जो इस समिति के सामने पेश हुई, और क्या ये जो अमेरिकी संसद की समिति थी वो आपके आइडियाज को रिसीव करने के लिए तैयार थी या एंटी इंडिया थी? पहली बार उन दीवारों में उन यू नो द टॉल, जैसे हम कहते हैं ना, ऊंची दीवारों में जो यूएस कैपिटल हिल की ऊंची दीवार है, उनमें पहली बार शायद बीके कंजू का नाम गूंजा, पहली बार शायद गिरिजा टिक्कू का नाम गूंजा। ये सब शहीद लोग हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए जान दी है, तो इनका नाम बार बार बोलना बहुत जरूरी है। ये लोग उन लोगों से कम नहीं है जो सरहद पे अपनी जान देते हैं। ये बताइए कि ये जो अमेरिका की कांग्रेशनल कमेटी थी, ये कहा जा रहा था कि बड़ी लॉपसाइडेड थी, काफी एंटी इंडिया यहाँ प्रोपेगेंडा भी चल रहा था। क्या ये पहली बार इन लोगों को भी पता चला कि किस तरह से पाकिस्तान से आ रहा आतंकवाद है जो जम्मू और कश्मीर में समस्या की जड़ है? जी, लॉपसाइडेड तो बहुत थी क्योंकि 5:1 का रेशियो था। और मैं आपको बताऊं कि मुझे सिर्फ 24 घंटे पहले बताया गया कि मुझे पता लगा 2 दिन पहले, और मैंने खूब शोर मचाया ट्विटर पे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही तरह की आवाज आप सुन रहे हैं, ठीक है आप दूसरा नैरेटिव भी सुनिए जो उस तरफ का नैरेटिव है, पर एक और नैरेटिव भी सुनना जरूरी है, अदरवाइज फिर ये कैसी हियरिंग है? ये तो फिर इको चैम्बर है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे हियरिंग तो फिर आप अपने घर में कर लीजिए, इसका नाम फिर एक ह्यूमन राइट्स हियरिंग ऑन कंग्रेशनल हियरिंग नहीं होना चाहिए।
मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, पर गुड सेंस प्रिवेल्ड. 24 घंटे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि आपको बुलाया जा रहा है. 5 अगस्त के बाद जब से जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, निरस्त किया गया है, तब से ये दूसरी कांग्रेशनल हियरिंग है. तो क्या पाकिस्तान की लॉबीज बहुत एक एजेंडा के तहत भारत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं अमेरिका में, और क्या उन्हें सफलता मिल पा रही है इस तरह? वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पैसे भी बहुत लुटाए जा रहे हैं. आप हाउडी मोदी में इधर थे तो आपने देखा होगा कि कितना फुल पेज एड न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी यूएन में बोल रहे थे, उस दिन फुल पेज एड न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई. न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में इतना बड़ा बिलबोर्ड था. आपको भी पता है कि ये चीजें मुफ्त में तो नहीं होती, इन चीजों के लिए तो पैसे नहीं, बहुत पैसे लगते हैं. तो क्लियरली पैसे की बात चल रही है. इट इज ऑल अबाउट मनी. इट्स द मनी पावर, बट इट्स मनी मसल वर्सेस द यू नो द ट्रूथ. अल्टीमेटली सच्चाई की गूंज बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि एक बिलबोर्ड भी आप लगाएं, एक एड भी लगाएं, वो तो एक दिन की बात है. लेकिन अगर आप सच बोलें तो वो सच लोगों के दिलों तक जाता है, और वो सच काफी देर तक फिर रहता है. एक सस्टेन्ड नैरेटिव की जरूरत है वर्सेस अ वन गुड नैरेटिव ऑन वन डे. और इसमें भारत सरकार के साथ साथ अमेरिका में भारतीय समूह के लोग, जो हाउडी मोदी में जो 50,000 से ज्यादा लोग जुटे थे, उनके साथ साथ अमेरिका में जो भारतीय समूह के लोग हैं वो एकजुट हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने में. सुनंदा जी, जहां तक मेरा मानना है, जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंटली काम करती हूं, इंडिपेंडेंट राइटर हूं मेरा तो यहां पे. लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समाज हैं इंडियन अमेरिकन्स के, जिन्होंने जिनके मैसेजेस मुझे आए हैं और जिन्होंने थैंक यू बोला है, जिन्होंने धन्यवाद किया है उनके बिहाफ पर ये बोलने के लिए. सुनंदा वशिष्ठ, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. बड़ी अजीब सी बात है कि जो लोग कश्मीर का उच्चारण सही नहीं कर पाते वो कश्मीर के हालात के बारे में अपनी एक्सपर्ट राय देते हैं, लेकिन भारत के ऐसे ही छोटे छोटे सैनिक हैं जो दुनिया भर में फैले हैं, अकेली आवाज होने के बावजूद आवाज रखते जरूर हैं तिरंगे के हक में.